न्यूज वर्ल्ड इंडिया के दर्शकों को हैप्पी होली। दिवाली की तरह होली भी ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने का चलन है। भांति भांति के पकवान बनते हैं जिसे लोग अपने आस पड़ोस में लोगों के साथ मिल बांट कर खाते हैं। होली आने के कई दिनों पहले ही इसे मनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी बीच कान्हा की नगरी ब्रिज की होली का प्रचलन कैसा चला, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। कान्हा की नगरी ब्रिज में होली के आयोजनों की तैयारियां जोरों शोरों पर रहती हैं। देश विदेश से लाखों संख्या में लोग ब्रिज की विश्व प्रसिद्ध होली पे हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं और हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रिज की होली मना रहे हैं। बता दें आपको कि ब्रिज की होली पूरे विश्व में फेमस है। भगवान कृष्ण की नगरी में होली की धूम देखते ही बनती है। आइए जानते हैं कि इस साल ब्रिज में होली का आयोजन किस प्रकार होगा। चलिए बात करते हैं पहले बरसाना लठमार होली की। इसके पीछे मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण राधा रानी को देखने के लिए बरसाने जाते हैं और इसके बाद कृष्ण और ग्वाले राधा और उनकी सखियों को छेड़खानी करने लगते हैं। इस पर श्री राधा और उनकी सखियां हाथ में छड़ी लेकर कान्हा और उनके ग्वालों के पीछे भागती हैं। तब से ही लठमार होली की परंपरा चली आ रही है। आज भी बरसाने और नंदगांव में ही इसी परंपरा को निभाया जाता है। लोग मानते हैं कि होली के दिन कन्हैया और राधा रानी भी बरसाने के इस रंग में रंग जाते हैं। यूं तो ब्रिज में होली का महोत्सव डेढ़ महीने से भी लंबे समय तक मनाया जाता है क्योंकि ब्रिज के हर तीर्थ स्थल की अलग परंपरा है और होली मनाने का भी तरीका एक दूसरे से अलग है। लेकिन बरसाने और नंदगांव की लठमार होली की परंपरा इनको सबको अलग बनाती है। दोनों जगह की गोपियां लाठी बरसाने में थक न जाए इसके लिए दूध मेवा खाकर अपनी ताकत बढ़ाती है। वहीं ग्वाले भी डालों को दुरुस्त करने में जुट जाते हैं। जो जितनी अच्छी लाठी चला लेता है उसे बाद में पुरस्कार भी दिया जाता है। इस दिन महिलाएं लोक गीत गाते हुए रंग डालने के लिए पुरुषों को पीटती हैं। पुरुष खुशी खुशी लाठियां भी सहन करते हैं और ये इस दौरान लोगों का जोश देखते ही बनता है। ये सारा उत्सव बरसाना के राधा रानी मंदिर के विशाल परिसर में होता है जो राधा जी को समर्पित देश का इकलौता मंदिर है। द्वापर युग में राधा रानी और उनकी सखियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए दूत को न्योता देने के लिए नंदगांव भेजा था। जब दूत ने राधा रानी के होली खेलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो बरसाना वासी खुश होकर एक दूसरे को लड्डू फेंकने लगे जिसके बाद से लड्डू होली की शुरुआत हो गई। तब से लेकर आज तक इस परंपरा को निभाया जाता है। आज भी जब होली का निमंत्रण देकर पांडव बरसाना के प्रमुख श्री जी के मंदिर पहुंचता है तो यहां मंदिर में सभी सेवायत एकजुट होकर श्रद्धालुओं पर लड्डू फेंकते हैं। फूलों वाली होली कैसी होती है ये भी हम आपको बताते हैं। ब्रिज में फुलेरा रोज के दिन फूलों वाली होली खेली जाती है। एक बार श्री कृष्ण अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि वो राधा रानी से मिलने नहीं जा पाए जिस कारण राधा रानी उदास हो गई। राधा रानी की उदासी का असर प्रकृति पर भी होने लगा और फूल पेड़ आदि सूखने लगे तो श्री कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद वह राधा रानी से मिलने बरसाने पहुंच गए। राधा रानी कृष्ण को देखकर खुश हो गई जिस पर प्रकृति पहले की तरह हरी भरी हो गई। राधा रानी को खुश देखकर श्री कृष्ण ने उन पर फूल फेंके जिसके बाद राधा रानी और गोपियों ने मिलकर श्री कृष्ण के साथ फूलों वाली होली खेली। आज भी वहां फूलों वाली होली खेली जाती है। चलिए अब बात करते हैं होली पर आप अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आपने ब्रिज की होली देख ली लेकिन होली के साथ ये ध्यान रहे कि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। होली के मौके पर पिचकारी और रंग से तो होली खेलते ही हैं, साथ ही बच्चे गुब्बारे से भी होली खेलते हैं। बाजार में होली वाले गुब्बारे बिकने लगते हैं। इन गुब्बारों में पानी और रंग भरा होता है जिसे बच्चे दूसरे पर फेंक कर मारते हैं। अचानक पानी से भरे गुब्बारे का अटैक हादसे की वजह बन सकता है। चोट लगने या कोई हादसा ना हो इसके लिए बच्चों को होली के मौके पर गुब्बारे से ना खेलने की सलाह दें
और उन निगरानी करें और बच्चे की पिचकारी से गीले रंगों और पानी से होली खेलते हैं। घंटों तक गीले कपड़ों में खेलते रहते हैं। होली के दौरान यानी कि मार्च का मौसम सर्दी और गर्मी के बीच का है। इस मौसम में कभी हल्की सर्दी महसूस होती है तो कभी तेज धूप के कारण गर्म महसूस होता है। इस तरह मौसम जो है बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अधिक देर बच्चों को गीले कपड़ों में ना रहने दें और पानी से होली खेलने से बचें। तो इस बार होली के त्योहार को मजे से एंजॉय करें, लेकिन अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आप सभी को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से हैप्पी होली।